ये सासुरा मन्नू लाल पता नहीं कहाँ मर गया। अरे दादाजी आ गए हम चूना लगा करके। कहाँ से आ रहे हो दादाजी? आज हम अदालत पर से आ रहे हैं। अदालत से? हाँ। अदालत से आ रहे हो? हाँ दादाजी। क्या हुआ अदालत में? वो विजय सिंह को उम्र कैद की सजा हो गई। उम्र कैद की सजा? हेलो, ये हमारे पोल्लू भैया सोहिलपुर निवासी 10 रुपए स्पेशल इनाम दे रहे, शुक्रिया है। उसकी बीबी को बेसिया करार दे दिया गया है दादाजी। जाने की विजय सिंह को उम्र कैद की सजा? हाँ। और उसकी पत्नी को बेसिया करार दिया गया? हाँ। लेकिन दादाजी वो विजय सिंह की बीबी सबनम और उसकी बहन गुटी इतनी खूबसूरत है जैसे गुलाब का फूल दादाजी। गुलाब का फूल? हाँ। ये बात सच है? हाँ। यानी विजय सिंह की पत्नी बिल्कुल गुलाब का फूल और उसकी बहन गुड्डी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है? यानी विजय सिंह की बहन बहुत ही खूबसूरत है। तब मन्नूलाल क्यों ना गुलाब के फूल का और उस गुलाब की कली की खुशबू ली जाए? जरूर ली जाए। अगर ये बात है हाँ। तो मेरे साथ आओ, हम अभी चलते हैं विजय सिंह के मकान को। आ मेरे साथ। अभी अदालत से मेरी भाभी नहीं आई। आप आ गई, भैया को साथ में नहीं लाई। गुड़िया तेरे भी आएंगी, अवश्य आएंगी। कोई दरवाजे पे आवाज दे रहा है, मैं जरा जाकर देखती हूँ। वही है जिसे बता रहा था तू? वही है। ये तो बिल्कुल गुलाब का फूल है रे। हाँ। और उसकी ननंद बिल्कुल गुलाब की कली। हाँ। तो इस फूल की सुगंध मैं जरूर लूंगा। मन्नूलाल तुम जरा लाइन में लग जाओ। ठाकुर साहब, अच्छा मां, चूंकि आज आप मेरे घर आ गई, अभी दौड़कर आपकी हवेली आ रही थी, मेरी मदद कर दीजिए। मेरे पति को उम्र कैद की सजा हो गई। उम्र कैद की सजा? अरे रियासत नहीं, मेरे पति को कोई नहीं छुड़ा सकता। आप मेरे पति को छुड़ा लाइए, मैं आपकी पैर। अरे ना 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 बिटिया, ना बिटिया रो मत, मैं हूं ना। अरे मैं कंकड़गढ़ रियासत का जमींदार हूं, मैं तेरे पति को चुटकी बचाते ही छुड़ा कर लाऊंगा। आप छुड़ा लाएंगे? बिल्कुल छुड़ा लाऊंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? आप मेरे पति को छुड़ा लाएंगे, कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, मैं तेरे पति को तो जरूर छुड़ा लाऊंगा, लेकिन उसके अवज में एक छोटा सा काम तुझे करना है। काम? तू कौन सा काम है? कोई भारी काम नहीं है, हमारी हवेली पे आ जाना। नहीं? अरे इस नाजुक नाजुक हाथों से तो 4 जाम भरकर पिला देना। किसी बातें करी, मैं आपकी बेटी की जैसी लगती हूँ। बेटी की जैसी लगती हो, लेकिन बेटी तो नहीं हो। नहीं। सबनम, बस मात्र एक रात की बात है, एक रात के लिए मेरी बहों में आ जा, तेरा पति तेरे घर आ जाएगा। नहीं, बहुत खूबसूरत है सबनम, इंद्र की हो मेनका या जन्नत की हूर,
आओ बैठो पास में, क्यों खड़ी हो दूर? सबनम सुन मेरी बात को, लखा रूप सबनम नहीं, लखा रूप सबनम, लखा रूप सबनम है जब से तुम्हारा, लखा रूप है सरबती आंख से लड़ गई जब नजर, तो पता इसमें क्या तेरा नुकसान? मैं भी तुझे अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगी। मैं तुम्हारी बात मान लूं? मैं सोचती थी आप मेरे घर आई, मेरे पति को छुड़ा लाएंगी, और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही, चुपचाप मेरे घर से बाहर हो जाऊं। मैं तेरे घर से बाहर हो जाऊं, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी।
तुम, मैं तो सोच रहा था कि अगर तू मेरी बात मान जाएगी तो मैं तुझे ठकुराइन बना लूंगा, हमारी हवेली में राज रानी कहलाएगी। ये जो तेरा गोरा गोरा पतन है, इधर सोने और चांदी क्या, मैं तुझे सजा दूंगा। नहीं, ये सब न मर जाएगी, चिंता जी तुम्हारी बात का भी नहीं मानोगी। अगर तू अपने पति का ही इंतजार करेगी, अरे तेरे पति को अंब कैद की सजा हुई है, वो तो साला कभी नहीं आ सकता, और आया भी तो साला बुढ़ा हो जाएगा, बुढ़ा, वो तेरे काम का नहीं रहेगा। इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं कि मेरी बात मान जा, तुझे राज रानी बना दूंगा। नहीं मानूंगी तुम्हारी बात, नहीं मानेगी, कभी नहीं मानोगी। कहां मर गया था? मन्नूलाल, ये हराम दादी ठाकुर धर्मराज का कहना नहीं मानती है, तो हम क्या करें? तो क्या करेगा? अरे मेरा हुक्म है, इस साली को धक्के मारकर इसके घर से बाहर कर दो, घर से ही नहीं बल्कि रियासत से भी बाहर कर दो। चलो निकलो मकान खाली करो। मन्नूलाल खड़ा हो जा, मैं कहता हूं खड़ा हो जा, ससुरा कहता नहीं खड़ा होता, अरे अंधा तुझे दिखाई नहीं पड़ता उल्लू का पट्टा। हम ख्याद लगा लगाई तो आंखी मून के खेती थे, आंखी बंद करके तुम कहे सामने पर साले तेरी आंख फोड़ दूंगा, बेवकूफ कहीं तुर मुर्ख की औलाद, तुझे सबनम में और मुझे कोई फर्क ही नहीं दिखाई पड़ता। हम बताए तो आंखें मूंद के ख्याल खेती थे, बाहर कर दिया, बहुत अच्छा किया। अब एक काम तुझे और करना है, कहो, ये हमारी शंकरगढ़ रियासत में ऐलान कर दे कि किसी ने सबनम और उसकी ननद को किसी ने खाना और पानी दिया या अपने मकान में रहने के लिए दिखा दिया तो उन सबको मार मार कर शंकरगढ़ रियासत से बाहर कर दिया जाएगा। कोई गलती ना होने पाए वरना दुनिया रहेगी, लेकिन मन्नू लो तुम नहीं। चला कतने नहीं तेज मार रहे हो, ये अब के लिए आ गए तो इनका मार मूर के बाराबंकी बहियां बहुआ दे बहन, ये हमें हुआ बाराबंकी में किसको बहुआ देगा रे? तुम्हारा बात ना यार। फिर किसकी बात? विजय सिंह के बात आए। हाँ हमारी बात भी नहीं करना, हाँ बात ना है, वरना पटल दूंगा सारे तरबूज की तरह बिखर जाओगे, समझा? ऐलान कर क्या, अब की बार गलती हुई तो मैं साले तेरे बतीसों दांत तोड़ दूंगा। मैं खड़ा खड़ा सुनूंगा, ऐलान कर। सुनो 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 गांव वालों बस्ती वालों सुनो, हमारे दादाजी का कहना है आने वाली 18 तारीख को हमारे दादाजी की तिरही है, हम सब जने न्योता दे थाया जयराम। किसकी तिरही का न्योता बांट रहा है? अरे ठाकुर धर्मराज जीवित खड़ा है और तू साले तिरही का न्योता बांट रहा है, भूखा है,
ताले अभी भी खाना रखा है। भूल गया है। भूल गया? इतनी जरूरी बात इतनी जल्दी भूल गया? हराम खोर कहीं के सारे। याद आया? आएगा। चला ऐलान का। सुनो 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 शंकरगढ़ के वासियों, सुनो इस सपनम को, भोज की नंदपुरिया को किसी ने खाना और पानी दिया, इस बस्ती के अंदर रहने के लिए जगह दिया, तो उसको सजाए मौत की सजा मिलेगी। फंसना नहीं आता बेवकूफ कहीं के, कहीं में फंसा जाए, घोड़ी की तरह ही हिना रहा है। जैसे मैं हंसता हूं कैसे? अगर नहीं आता हंसना तो मत हंसा कर मेरे सामने। ना हंस मैं, चल मेरे साथ। चलो गुड़िया, आज हम लोग घर से बेकार हो गई। जमींदार ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। भाभी, गुड़िया मुझे भूख लगी है। भाभी भूख लगी? मुझे खाना खिला दो भाभी। खाना? मुझे प्यास भी लगी है भाभी। प्यास लगी है तुझे? मुझे पानी पिला दो भाभी। गुड़िया मुझे चक्कर आ रहा। नहीं गुड़िया, मेरा गला सूखा जा रहा भाभी। नहीं मेरी गुड़िया, पिला दो। नहीं भैया, कोई मेरी गुड़िया को थोड़ा सा पानी दे दो भैया, थोड़ा सा पानी दे दो। हे भैया, हे बहनो, थोड़ा सा पानी मुझे दे दो, नहीं तो मेरी गुड़िया मर जाएगी। मेरी मदद कर दो। मेरी कोई मदद नहीं करना, क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, समझ में कुछ ना तारे। क्या करूं, कहाँ जाऊं, समझ में कुछ ना आता है। मदद जा मांगू मैं, अंधेरा ही दिखाता है। रात नजर आ गई, रास्ता नजर आया, यहाँ भी मेरी कोई मदद नहीं करेगा। सामने थाना है, मैं वहां भी जाऊंगी, क्योंकि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर की बीवी हूँ। थाने मेरे साथ जरूर इंसाफ होगा, और वहीं पे मेरी गुड़िया के लिए खाना पानी मिल जाएगा। मैं अपनी गुड़िया को लेकर सीधे थाने जाऊं। शुक्ला जी। यस सर। कहां से आ रहे हो? तुम्हारे पीछे तो ड्यूटी लगा। चुप है। मेरे पीछे कौन सी ड्यूटी करता है? यानी आ रहे हैं। आ रहा है? हाँ। शुक्ला जी बोलिए। आज मेरा दिल कुछ कहता है। क्या कहता है? मौसम भी सुहाना है। हाँ हाँ, हवा भी बढ़िया चल रही। तू तो काफी समझदार हो गया है ना? हाँ। और मेरे शरीर में दर्द भी हो रहा है, खास करके कमर में ज्यादा दर्द हो रही है। एक्सीडेंट हो गया है ना? चुप रहो। शुक्ला जी। हाँ। मेरा जी कहता है कि जाओ कहीं से तुम शराब लेकर आओ।
आज ही थाने में बैठकर हम खूब शराब पीना चाहते हैं। अजीब आदमी हो यार, कहूं दारू कहूं मुर्गा कहूं अंडा, उस दिन बड़ा वाला मांगो। चुप, तमीज कहीं का। बड़ा वाला? हाँ। किस दिन? परसों। कहां से? जयपुर। चुप, बदतमीज कहीं का। मैं बड़ा वाला खाता हूं। मैंने कुछ कहा? हाँ, जा रहे हैं। जाओ शराब लेकर आओ। ले जे सर। क्या हुआ? इतनी कड़ा कहे बे? हाँ, टाइट है। कहाँ से लेकर आया? ठेके पर से। किस ठेके चलाया? किस ठेके चलाए हो? जयपुर से। बहुत जल्दी आ गया वापस? पैदल है तो जानना है। पैदल गया था इसलिए बहुत जल्द आ गया। और का? अगरचे हमारी गाड़ी मिल गई होती तो खानतीन में मिली फिर। तू तो चला भी तो लेता है। हाँ। पीकर देखे? हाँ, पीछे अभी गड़बड़ हो जाता। क्या हो गया? अरे हमारे बुजुर्गों की परंपरा भी व्यस्त हो जाती है। हाँ, परंपरा पूर्ण करो। लो, सबसे पहले नटवीर बाबा तुम लो थोड़ी सी। बुयारे बाबा तुम भी थोड़ी दे लो। अपने बप्पा राम फेरो दे दो। चुप रहो। ये कौन से देवता है? जो मर के ऊपर चले गए। चुप रहो। आज से मैं किसी हरामखोर को शराब नहीं दूंगा। ठीक है, आप पीजिए। पीकर देखें हम। हाँ। क्या हुआ सर? अरे देखो, ये ने डाक ली हो। क्या हुआ आखिर? हुआ क्या? आप सिकारे पर आंखी टांगी। क्या हुआ शुक्ला? हाँ, थोड़ी सी शराब मेरे शरीर के अंदर गई, मेरे दिल में ना जाने क्या हो रहा है। क्या हो रहा है शुक्ला जी? हाँ, इधर आओ। बताओ, अब तुम दारू पे हम लगीचे नहीं बे। शुक्ला जी। हाँ, आज तुम मुझे कितने अच्छे लग रहे हो। तुम्हारे जो मतलब हम समझते हो, तुम जी लाइन में सोचे तो लाइन में हम हन नहीं। तुम एक काम करो। हाँ। लो एक पैक तुम भी पियो। नहीं, हम पीबे तब तो मामला गड़बड़। तुम का पियो, पियो चल रहे। ये साला बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। निकल गया। पल भर में इंसान को क्या से क्या बना देती है ये शराब। बना इंसान को पल में नबाब देती है, बना इंसान को पल में नबाब देती है। मुझे जहां में तू ही शराब देती है। पियाना जो बसर से, पियाना जो बसर से, मजा इसका क्या पाएगा। उस मालिक के सामने पहले सरा भी जाएगा।
लगता है नशा ज्यादा हो जाएगा, बैठ कर पिए। मदद कर दीजिए, बढ़िया साई लेकर आई हूं। बढ़िया साई लेकर के आपके पास आई हूं। मेरी ननद गुड़िया भूख प्यास में तड़प रही है, भगवान के लिए इसके लिए खाना पानी दे दीजिए। तो मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया मैं तुमको क्या हुआ? इसको क्यों मार डाला तुमने? ये कौन है? ये लड़की कहाँ से ले आई? तुम कौन हो पहले बताओ? लगता है कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। कहीं शबनम तो नहीं हो? हाँ मैं शबनम हूँ। शबनम हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर की धर्मपत्नी। तुमको क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? और ये बच्ची कौन है तुम्हारी? क्या हुआ इसको? शंकरगढ़ के रियासत जमींदार ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी गुड़िया बहुत प्यास से तड़प रही है, इसके लिए थोड़ा सा खाना पानी दे दीजिए, नहीं तो मेरी गुड़िया मर जाएगी। यानी कि ये तुम्हारी ननद है? हाँ। और जमींदार धर्मराज ने तुम्हें रियासत से बाहर निकाल दिया? हाँ। और ये भूख प्यास से तड़प तड़प कर बेचारी बेहोश भी हो गई? हाँ साहब।
तुम फिकर मत करो शबनम।